हेलो गाइज, तो आज बात करते हैं हम डिफेंस फंक्शन के नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो पहले इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंशिएशन, कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसके फंक्शंस के बारे में। इससे पहले हमने कांस्टेंट फंक्शन एंड पॉलीनोमियल फंक्शन के बारे में बात की। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं साइन साइन थीटा के बारे में, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉज एक्स, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, कॉज का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स, टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक्स हो गया एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कुसेक एक्स, माइनस कुसेक स्क्वायर एक्स। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और डिफरेंशिएशन होता है हमारा कोसेक कोसेक एक्स का कोसेक एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो गाइस जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सिकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये आपको याद करने पड़ेंगे इस टर्म, जैसे कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जल्दी से डिफरेंशिएशन कर पाएँ। इसके बाद हम बात करेंगे अब लॉग के फंक्शंस की। तो हम आगे बात करते हैं लॉग फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉग को लिखते कैसे हैं। लॉग को लिखते हैं नीचे बेस इनटू ए, ये क्या होता है, यहाँ पे ए होता है आर्गुमेंट, और बी क्या होता है, ये होता है बेस। लॉग में दो बेस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यूज होते हैं, एक तो लॉग बेस टेन और एक बेस ई। ई को लिखते हैं एक को ई ई को लिखते हैं एक्सपोनेंशियल, ई को क्या लिखते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू होती है e की वैल्यू होती है 2.73, आगे तक चलती रहती है, बट हम इतना ही यूज करते हैं टू टर्म्स तक, 2.73। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, ऐसे ही e की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है 2.73। हम लॉग को ऐसे भी लिखते हैं, जो लॉग e होता है हमारा एक्सपोनेंशियल, इसको लिखने का तरीका क्या है, एल एन ए। एल एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग। हम लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, जैसे कि हम आपने क्वेश्चन देखा होगा लॉग ए प्लस में लॉग बी, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। लॉग ए और लॉग बी दोनों प्लस में, तो इसका क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। जैसे कि दूसरा है लॉग ए माइनस बी, लॉग ए
माइनस लॉग बी, इसका क्या होता है लॉग वन बाई बी, ए अपॉन बी। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि लॉग टू प्लस में लॉग थ्री, तो करने करने के तरीका क्या है, लॉग टू इंटू थ्री क्या हो जाएगा सिक्स, ठीक है, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग टू इंटू थ्री, ठीक है सर। एक दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, लॉग टू माइनस लॉग थ्री, तो इसको इसको कैसे लिखेंगे, लॉग टू अपॉन थ्री। एक सबसे बड़ी बात है जो आपको याद करना है, लॉग वन की वैल्यू क्या होती है जीरो, और लॉग ई की वैल्यू क्या होती है वन, लॉग वन की वैल्यू जीरो, लॉग ई की वैल्यू वन, ये आपको याद करनी है। एक बेसिक फॉर्मूला ये होता है, जैसे हम लॉग ए बराबर बी, तो ए बराबर क्या होगा, ए इक्वल टू एक्सपोनेंशियल बी, जो लॉग बेस ई, लॉग हम ई में टर्म हो जाएगा, वहाँ पर बेस बी ऊपर चला जाएगा। और एक एक वैल्यू याद करनी है आपको, लॉग टू, लॉग टू की वैल्यू होती है 0.693। अब हम यदि लॉग की प्रॉपर्टीज जो आपकी बेसिक यूज होती है मैथ में यूज होती हैं, फिजिक्स में भी यूज होती हैं। अब दूसरा हम इसके डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉग के डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं, जैसे लॉग का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा वन बाई एक्स, ये हमारा लॉग का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, ठीक है सर। तो आज आपने दो फंक्शन के बारे में बात की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉग फंक्शन, जो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप एक बार इनको रिवाइज कर सकते हो, साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी जो होती है, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बाई बी, ठीक है सर। लॉग वन की वैल्यू जीरो, लॉग ई की वैल्यू वन, लॉग टू की वैल्यू 0.693, और लॉग का डिफरेंस क्या होता है, लॉग एक्स का वन बाई एक्स। तो सर आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।